दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान 40 मिनट तक यह मुलाकात चली। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने कहा, कृषि कानून वापसी से अच्छा संदेश गया है। उम्मीद है कि संसद में कानून वापसी के बाद किसान वापस चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं लगता। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि सस्पेंस बना रहे तो बेहतर है, इसी में आनंद है। लगभग 2 महीने पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी को मिलकर आया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि समय समय पर हरियाणा की जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बात की भी मैंने उनको धन्यवाद किया जाते ही कि जैसे पीछे जो हमारा जज्जर भाड़सा में एम्स का कार्यक्रम था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद किया। तो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही है जो उस समय तक उनको नहीं पता थी वो भी उनको मैंने बताई है। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे, ये जानकारी भी मैंने उनको दी है। फिर हमारा जो आज सिस्टम है ऑटो अपील सिस्टम, इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। अब गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे लाइव जुड़ करके और कुछ समय का उनको उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है सारा डाटा आया है सारे देश भर का, पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशियो जो सेक्स चाइल्ड रेशियो है वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा आई है। हरियाणा में भी काफी अच्छी प्रगति हुई है, हमारे यहाँ 856 जो थी वो 913 हुई है जो इस डाटा में रिकॉर्ड में होकर आया है, फिर भी हमारे यहाँ गुंजाइश और ज्यादा है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इस मीटिंग में बहुत उत्साहवर्धक तरीके से सारी बातचीत हमारी हुई है और भी जनरल जो बातचीत है वो हमारी प्रदेश को लेकर के सब, खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा क्या चल रहा, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए, मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी, तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज्यादा ज्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। मैंने बताया सस्पेंस बना रहे तो आपको भी आनंद हमको भी आनंद। धन्यवाद।